गुड इवनिंग. टुडे इज 13th जनवरी 2017 एंड नाउ डिस्कस योजना एंड कुरुक्षेत्र मैगजीन जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. वो अगस्त का जो 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 योजना एंड कुरुक्षेत्र का जो जिस्ट है तो उसको हमने जो पहला जो टॉपिक है तो उसको हमने डिस्कस किया है पहले जो स्लाइड पहले जो मेरा वीडियो है. तो नेक्स्ट जो वीडियो है हम बना रहे हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. ये लगभग वन आवर तक वीडियो होगा और इसमें भी हमने बहुत सारा जो आर्टिकल है वो कवर करेंगे. तो आप देखते रहिए, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. देखिए तो हमने इसका पहले जो डिस्कस किया था तो देखिए तो हमने अब डिस्कस करेंगे. देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे टैकलिंग पैराडॉक्सल सिचुएशन. सॉरी नहीं है, सॉरी जो स्टार्ट करेंगे हमने जो प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट ये भी हो गया है. तो देख लेता हूँ हम एक दो. हमने ये भी कवर कर लिया है, ये भी है, ये भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया है हम. और ये भी नहीं, ये नहीं कवर हुआ है. ओके तो हमने एक डिस्कस करेंगे. ओके स्टार्ट कर रहा हूँ डिस्कशन. देखिए देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन. देखिए इट इंक्लूड्स क्या करते हैं ना, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंक्लूड कर इकोनॉमिक इट इंक्लूड्स क्या करें, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को एंड स्किल डेवलपमेंट को डेवलपमेंट करने के लिए हमने काम कर रहे हैं. ओके देखिए द प्रेफर्ड मोड ऑफ द डिलीवरी वुड बी थ्रू PPPs व्हाइल यूजिंग वेरियस स्कीम फंड्स. हमने यूज करते हैं वेरियस स्कीम फंड. अर्बन चैलेंज करते हैं रूरल माइग्रेशन को लीडिंग टू द हाइपर अर्बनाइजेशन एंड अर्बन माइग्रेशन जो है लीडिंग कहते हैं हाइपर अर्बनाइजेशन एंड सबसिक्वेंट जो लॉस ऑफ रूरल हैबिटेट को. ओके सबसिक्वेंट जो लॉस है रूरल हैबिटेट उसको हम डिस्कस कर रहे हैं. वो चैलेंज देखिए अर्बन का जो मेन चैलेंज है रूरल माइग्रेशन को लीडिंग करना टू हाइपर अर्बनाइजेशन के बारे में एंड सबसिक्वेंट लॉस ऑफ रूरल हैबिटेट. ओके जो लॉस हो रहा है उसके बारे में वो देखते हैं. अन अस्टेड ओके अस्तद अस्ता अस्तद अस्तद. ओके देखिए अंडरग्रेडिंग अपग्रेडिंग स्किल अस्तद अपग्रेडिंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग एंड इन ट्रेडिशनल एक्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट. देखिए अपग्रेडिंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट. देखिए एम क्या है, अपग्रेडिंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज. हमने स्किल को अपग्रेडिंग एंड ट्रेनिंग को ट्रेनिंग देखिए हमने अपग्रेडिंग करेंगे हम किसको ना, स्किल्स एंड ट्रेनिंग ऑफ माइनॉरिटी एंड कम्युनिटीज को कम्युनिटीज बाई प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंसेस्ट्रल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स. देखिए देखिए अपग्रेडिंग हमने स्किल्स को एंड ट्रेनिंग्स को अपग्रेडिंग अगर किया है अगर किया है तो ये बहुत अच्छी होगी क्योंकि जो जो डेवलपमेंट का जो एजेंडा है तो वो बहुत अच्छी से जाएगा. ओके एम क्या है, अपग्रेडिंग स्किल एंड ट्रेनिंग मॉनिटरिंग करेंगे हमने कम्युनिटीज को बाय प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंसेस्ट्रल देखिए आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स. ओके देखिए इसके बाद देखिए इनविसेज बूस्टिंग द स्किल्स ऑफ क्राफ्टमैन. ओके देखिए इनविसेज बूस्टिंग द स्किल्स एंड ऑफ क्राफ्ट्समैन. ओके वेव्स एंड आर्टिसंस who are already engaged in work. ओके देखिए उसके बाद देखिए सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ऑफ जो चैलेंज फॉर रूरल यूथ PM प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है. देखिए NSS सर्वे हुआ है 2013 में, देयर आर 5.77 crore स्मॉल बिजनेस यूनिट्स मोस्टली इंडिविजुअल प्रोपर्टी प्रोप्रिएटरशिप. मोस्ट ऑफ दिज ओन्ड
अकाउंट इंटरप्राइज आर ओन्ड बाई SC ST एंड OBCs। 57% ऑफ टू स्मॉल बिजनेस जो कम फ्रॉम रूरल एरियाज से आते हैं। देखिए 57% जो स्मॉल बिजनेस जो आते हैं कहाँ से, रूरल एरिया से। टू प्रोवाइड क्रेडिट, देखिए क्या प्रोवाइड करेंगे ना क्रेडिट, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ओके टू प्रोवाइड एक्सेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस टू स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस को। देखिए शिशु लोन जो है अप टू 50,000 एंड किशोर लोन जो है 50,000 टू 5 लाख एंड तरुण लोन जो है 5 लाख टू 10 लाख। ओके स्टैंड अप इंडिया टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एवं SC ST एंड वन प्रमोशन ऑफ प्रोजेक्ट्स पर बैंक ब्रांच पर कैटेगरी अंडर द स्कीम 1.25 लाख ब्रांचेस विल प्रोवाइड लोन्स टू SC ST एंड वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स। ओके 1.25 बैंक्स में ब्रांच में वो प्रोवाइड किया जाएगा लोन्स टू SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ओके देखिए डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडियाज टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैव प्लेज टू इन्वेस्ट एज सम ऑफ रिच 4.5 लाख करोड़ विद एन एम टू अपग्रेड द ओवरऑल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इंडिया टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट क्या प्लेस क्या है तो इन्वेस्ट करेंगे सम 4.5 लाख करोड़। ओके विद एन एम टू अपग्रेड करेंगे द ओवरऑल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री में। इट गिव्स इसका क्या होप है, इंडिया बिकम ए हाई स्पीड इंटरनेट टेरिटोरी। ओके जो इंटरनेट के बारे में हमने हाई स्पीड करेंगे, सिटीजन्स विल बी एम्पावर्ड थ्रू सिटीजन्स को भी एम्पावर करेंगे वायरलेस मोबाइल से नेटवर्क्स में एंड पब्लिक स्पेस में। ब्रिज गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन इंडिया। ओके तो बूस्ट ई कॉमर्स स्किल यूथ। ओके डेवलपिंग हमने क्या डेवलपमेंट करेंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विल नॉट ओनली हेल्प टू इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बट ठीक है डेवलपिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है विल नॉट ओनली जस्ट वो हेल्प करेंगे नहीं जस्ट सिर्फ वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में वो जस्ट हेल्प नहीं करेंगे, वो ऑल्सो क्या करेंगे ब्रिंग ए लार्ज अपटैप्ट पॉपुलेशन को भी वो देखेंगे ऑन द सेम पेज में द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। ओके एक्टिविटीज लाइक देखिए बैंकिंग प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज सेलिंग क्रॉप्स एंड अदर एग्रो प्रोडक्ट्स वुड बिकम इजी टू एंड सफिशियंट टू द रूरल पीपल के लिए वो बहुत ईजी होगा। एक्टिविटीज लाइक बैंक प्रोवाइडिंग सब्सिडीज सेलिंग क्रॉप्स एंड अदर एग्रो प्रोडक्ट्स वुड बिकम इजी एंड एफिशियंट टू द रूरल पीपल थ्रू गवर्नमेंट। देखिए इज गोइंग ऑल आउट टू एंश्योर बेटर 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 देखिए देखिए तो यहाँ पर क्या है एक्टिविटीज लाइक बैंकिंग प्रोवाइडिंग देखिए सब्सिडीज सेलिंग क्रॉप्स एंड अदर एग्रो प्रोडक्ट्स जो है प्रोडक्ट्स अगर एग्रो वुड बिकम इजी एंड एफिशिएंट टू द रूरल पीपल द गवर्नमेंट इज गोइंग द गवर्नमेंट इज गोइंग क्या कहाँ जा रहे हैं देखिए 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 गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट इज गोइंग ऑल आउट और टू इंश्योर ए बेटर लाइफ फॉर ऑल सेक्टर सेक्शन में वो जो इंश्योर कर रहे हैं बेटर लाइफ को करने के लिए। ये देर आर मेनी ग्रुप्स एंड स्पेसेस आउटसाइड द डेवलपमेंट नीड। देखिए द गवर्नमेंट जो है गोइंग टू आउटसाइड गोइंग आउट ऑल आउट इंश्योर बेटर लाइफ फॉर ऑल सेक्शन येट देर आर मेनी ग्रुप्स जो है आर एंड स्पेसेस आउटसाइड द डेवलपमेंट नीड मोर फोकसेस प्रोग्राम्स आर नीड्स टू नीड्स फॉर रूरल नीड्स फॉर मोर फोकसेस So please wait sir because I want to know some tales now my friends so please wait so because it's important to please I let's start our discussion okay देखिए उसके बाद देखिए activities like banking provide देखिए उसके बाद देखिए देखिए मेनी ग्रुप्स एंड स्पेसेस आउटसाइड द डेवलपमेंटल नीड
मोर फोकस्ड प्रोग्राम्स आर नीडेड फॉर रूरल देखिए अनएजुकेटेड ग्रुप्स आर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। देखिए गवर्नमेंट गोइंग टू आउटसाइड द आउट टू एंश्योर द बेटर लाइफ फॉर ऑल सेक्शन फॉर एट देर आर मेनी ग्रुप्स एंड स्पेसेज आउटसाइड द डेवलपमेंटल नीड मोर फोकस प्रोग्राम्स आर नीड टू फॉर रूरल अनएजुकेटेड ग्रुप्स है ओके एंड मार्जिन फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटी। ओके गवर्नमेंट नीड्स क्या है टू क्रिएट एन एनवायरमेंट एनवायरमेंट टू इन विलेजेस। गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या नीड गवर्नमेंट के लिए नीड है टू क्रिएट करें एनवायरमेंट को इन विलेज में और रूरल फार्मर्स के साथ वो काम करें। क्राफ्ट्समैन एंड अदर्स कैन डायरेक्टली सेल देयर प्रोडक्ट्स क्राफ्ट्समैन और अदर जो है वो डायरेक्टली सेल कर सके प्रोडक्ट्स को इन ओपन मार्केट्स में। देयर इज ऑल्सो एक देखिए देयर इज ऑल्सो कैन नीड टू एम्पावर एडोलेसेंट। देखिए ऊपर क्या क्या नीड है हमें एम्पावर करें एडोलेसेंट इनको ड्रॉप आउट्स एंड लोकल कम्युनिटीज़ को एंड इन डिसएडवांटेज एरियाज एंड इंसेंटिव्स ऑल स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन द कंट्री टू एंश्योर द यंग यंग इन देयर एरियाज एंड कंप्लीट द एजुकेशन। पर मोस्ट मार्जिनलाइज्ड एंड अनएजुकेटेड जो है रूरल यूथ विल बिकम पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ओके नीड देम ओनली आइडिया ऑफ अंत्योदया ओके अंत्योदया विल बिकम ए रियलिटी। ओके नेशनल एप्रेंटिस नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप ओके प्रमोशन स्कीम। देखिए नेशनल एप्रेंटिस नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम व्हाट कैबिनेट देखिए व्हाट कैबिनेट हैज अप्रूव एनएपीएस। देखिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम व्हाट देखिए कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एनएपीएस फंड्स क्या है रिचेज 10,000 crore आउटले टारगेट क्या है ऑफ 50 lakhs अप्रेंटाइज ट्रेंड बाई 2019 and 2020। देखिए एंड देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपेंडिचर क्या है 50% बाई GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए स्टिपेंड क्या है 25% टोटल स्टिपेंड पेबल विल बी शेयर्ड विद एम्प्लॉयर्स बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल्सो सपोर्ट बेसिक ट्रेनिंग विच इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ओके देखिए एक्सपेक्टेड to become one of the most powerful skill delivery vehicle in the country. What apprenticeship training? It is considered to be the most efficient ways to develop skilled manpower of the country. It provides industry-led, practice-oriented, effective and efficient mode of formal training. National policy of skill development has one of the focus of an apprenticeship training. The policy proposes to work proactively with the industry including MSMEs okay facility training facility 10-5 increase opportunity by 2020। इसका देखिए ये भी हमने कवर कर लिया ये भी देखिए देखिए माइग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एग्रीकल्चर जो देखिए एग्रीकल्चर जो है इज ग्रेजुअली लूजिंग द अट्रैक्शन ऑफ ए पोटेंशियल ऑक्यूपेशन अमंग द रूरल यूथ ड्यू टू रूरल प्रॉफिटेबिलिटी। एग्रीकल्चर जो है ग्रेजुअली लूजिंग हो रहा है अट्रैक्शन द पोटेंशियल ऑक्यूपेशन ऑफ द अमंग द रूरल यूथ को यूथ से देखिए लोअर प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है एग्रीकल्चर। अगर फार्मिंग कैन बी ऑगमेंटेड अगर फार्मिंग जो ऑगमेंटेड विद द एडिशनल इनकम जनरेटेड फ्रॉम द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इट विल क्या हेल्प करेंगे टू रिटेन द इंटरेस्ट ऑफ द यूथ इन फार्मिंग में यूज करेंगे। देखिए हम अगर इनकम जनरेटेड हुआ है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में तो इनकम जो इंटरेस्ट बढ़ेगा यूथ का सच एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री शुड बी सेंटर्ड इन रूरल हब्स में वो सेंटर्ड होगा सो दैट यूथ ओवर देयर आर रिटेन्ड। ओके नीड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ रूरल यूथ इसका क्या नीड है देखिए
हमें इसको क्यों एम्पावरमेंट कर देंगे करेंगे एज पर सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट रिसर्च 11 में क्या है 73% हाउस होल्ड जो है स्टिल रूरल एरिया में रहते हैं। 17.91 करोड़ जो है हाउस होल्ड आउट ऑफ द 24.39 करोड़ हाउस होल्ड जो है लोकल लोकेटेड इन रूरल एरिया। ओके 24.39 करोड़ हाउस होल्ड देखिए कितना ज़्यादा है 17.91 करोड़ जो हाउस होल्ड आउट ऑफ द 24.39 करोड़ हाउस होल्ड लोकेटेड इन रूरल एरिया आउट ऑफ दिस हाउस होल्ड 51% सर्वाइव ऑन इनकम फ्रॉम द मैनुअल कॉजल लेबर 30% कल्टिवेशन एंड रेस्ट ऑफ द अदर सोर्सेज मतलब नियरली 74% है मंथली इनकम इज लेस देन रिच 5000। देखिए 74% जो पीपल्स है जो जहाँ पर जिसका मंथली इनकम कितना है लेस देन 5000 है कितना कम है। देखिए एज पर 68 नेशनल सैम्पल सर्वे देखिए एवरेज मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है फॉर रूरल एरियाज के लिए इट इज 1430। देखिए 68 नेशनल सैम्पल सर्वे द एवरेज मंथली कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है फॉर द रूरल एरिया का रिच 1430 कंपेरिजन विद द रिच 2630 इन रूरल एरिया अर्बन एरिया। देखिए एवरेज मंथली जो पर कैपिटल जो एक्सपेंडिचर फॉर द रूरल एरिया का देखिए 1000 एवरेज जो मंथली पर कैपिटल जो एक्सपेंडिचर जो है 1430 इन कंपेरिजन टू अर्बन में देखिए 2630। वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 48.5% ऑफ द टू पॉपुलेशन वुमेन जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 48.5% ऑफ द पॉपुलेशन में। ओके देखिए हाउएवर इन द वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेट देखिए इज ओनली 25.5% ड्यू टू द लो एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग 49% वर्क फोर्स इन एग्रीकल्चर 10.6% कंस्ट्रक्शन एंड 27% सर्विस सेक्टर। देखिए currently only 10% workforce are trained is trained 3% formally 7% and 7% informally trained. The challenge is become enormous when recent studies indicate that in employers found that just about 25% of the Indian professionals okay. देखिए एम्प्लॉयर्स जो है फाउंड हम देखते हैं कहाँ 25% जो इंडियन प्रोफेशनल जो एम्प्लॉय होते रहते हैं एम्प्लॉयबल है इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। ओके माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया देखिए रूरल एरिया से जो माइग्रेशन होते हो रहा है देखिए अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन पीपल्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन 2 मिलियन पीपल देखिए बहुत ज़्यादा 20 लाख। ओके तो 2 मिलियन पीपल अर्बन रूरल माइग्रेशन होते माइग्रेट करते हैं। ओके तो अप्रोक्सीमेटली 22 मिलियन हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द रूरल टू अर्बन सिंस 2011 में देखिए 22 मिलियन पीपल माइग्रेट हुआ है। माइग्रेशन ऑफ रूरल यूथ कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ इम्पोर्टेंट शेयर ऑफ द इम्पोर्टेंट वाइटल एंड डायनेमिक पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स विद द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगा और डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस फैल रहा है। तो रूरल इंडिया रिमेंस द फोकस ऑफ द पॉलिसी मेकर्स 10.1% ऑफ द ऑफिस लेबर फोर्स जो है इज अनएम्प्लॉयमेंट कंपेयर टू द 7.3% अर्बन एरिया में। देखिए अर्बन एरिया में 7.3% भी यूथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट है 10.1% जो है रूरल पीपल जो अनएम्प्लॉयमेंट है इन रूरल एरिया इनकम फ्रॉम फार्म लेबर। देखिए रूरल देखिए इनकम इन रूरल एरिया में देखिए इनकम जो फार्म लेबर का लाइवलीहुड का स्पेशली फॉर द स्मॉलर एंड मार्जिनल फार्मर का देखिए जो मेक अप 85% फार्म होल्डिंग्स फॉर ड्राइव एंड फार्मर्स दैट ऑक्यूपाई मोर देन हाफ ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया। प्रॉब्लम्स ऑफ एन माइग्रेशन देखिए माइग्रेशन का मेन प्रॉब्लम क्या है एमंग वेरियस प्रॉब्लम्स व्हिच आर यूथ फेस अपन माइग्रेशन एंड लैक ऑफ हाउसिंग देखिए लैंग्वेज बैरियर स्किल डिफिशिएंसी इन द इनिशियल डेज सीरियसली अफेक्टेड इन मोरल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फैक्टर्स लेड टू यूथ अनप्रेसिडेंटेड अंडरपेड जॉब्स एंड व्हिच सेपरेटली हैम्पर विद देयर ग्रोथ। ओके सॉल्यूशन क्या है देर इज ए नीड टू एस्टेब्लिश यूथ हॉस्टल एटलीस्ट इन मेन सिटीज में हमें इसको हॉस्टल सिटीज बनाना है यूथ सिटीज यूथ हॉस्टल ओके बनाना है टू कैटर टू यूथ फॉर इनिशियल 6 to 12 months। ओके द एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश इन ईच डिस्ट्रिक्ट इज रिक्वायर्ड टू चेंज टू द करियर गाइडेंस डिपार्टमेंट विद एजुकेशन और जॉब। ओके
गवर्नमेंट सपोर्ट एडुकेशन सिस्टम कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाई क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द रूरल यूथ इधर इन द रूरल एरियाज और इन द रूरल पेरिफेरल्स सो दैट यूथ कैन टेक एडवांटेज ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज एंड ले सके वो अपॉर्चुनिटी इन लर्न इन लीन टाइम लीन पीरियड वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज देखिए देयर इज नीड टू स्ट्रेंथन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज इन डिफरेंट क्रॉप्स टू मेक एग्रीकल्चर मोर एंटरप्रेन्योरियल एंड प्रॉफिटेबल ओके एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री क्या है और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टू क्रिएट वैल्यू एडिशन वैल्यू एडिशन क्रिएट क्योंकि क्या करते हैं ना वैल्यू एडिशन करते हैं इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ओके एंड इट आल्सो क्रिएट्स करते हैं इनॉर्मस जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल यूथ ओके द फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो एम्प्लॉयड फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड कितना परसेंट 16% जो टोटल वर्कफोर्स जो है ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे 32% जो है टोटल वर्कफोर्स इज अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखिए द फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में देखिए एम्प्लॉयड कितना 16% जो है टोटल वर्कफोर्स और ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखिए एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 32% ओके देखिए फूड प्रोसेसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव देखिए टू क्रिएट देखिए एंड क्रिएट देखिए फूड प्रोसेसिंग एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव क्रिएट करते गया ना क्रिएट्स 1800 जॉब्स डायरेक्टली एक्सेस सप्लाई चेन फॉर एवरी 100 crores इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर देखिए 1800 जॉब जो डायरेक्टली अक्रॉस द सप्लाई चेन में फॉर एवरी 100 crore इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर नीड फॉर टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन इन एग्रीकल्चर क्या नीड है एग्रीकल्चर में फार्मर्स जो नीड क्या है टू एडोप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज और एडोप्ट करेगा न्यू टेक्नोलॉजी को एंड टू मेक फार्मिंग मोर प्रॉफिटेबल मेक करेगा ना फार्मिंग को मोर प्रॉफिटेबल कर सके प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन देखिए प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन इज हाई टेक कल्टिवेशन है विच रिजल्ट्स इन द 5 to 12 times हायर आउटपुट देन कल्टिवेशन इन ओपन फील्ड में देखिए प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन जो है देखिए प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन जो है हाईटेक कल्टिवेशन हुई रिजल्ट किया ना 5 to 12 times हायर आउटपुट देन कल्टिवेशन इज ओपन इन ओपन फील्ड इंडिया हैज अप्रोक्स 25,000 हेक्टर्स विच इज निग्लिजिबल इन द कंपेरिजन टू सम ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन फील्ड प्रोडक्शन प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन देखिए इंडिया में क्या नीड किया है देखिए इंडिया जो है अप्रोक्स 25,000 हेक्टर जो है नेग्लिजिबल देखिए हेक्टर नेग्लिजिबल कंपेरिजन टू सम अदर द लीडिंग कंट्रीज से ओके फील्ड प्रोडक्शन प्रोडक्टेड कल्टिवेशन फ्लोरिकल्चर इन इज वन ऑफ सच वेंचर विच नीड प्रोडक्टेड एग्रीकल्चर ओके मशरूम कल्टिवेशन जो हैज बिकम प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड विथ प्रोड्यूस क्या ना फेचिंग गुड रिटर्न इन द मार्केट बिकॉज of the rise in demand for edible mushrooms okay देखिए मशरूम कल्टिवेशन हैज बिकम द प्रॉफिटेबल है बिजनेस है बिकॉज प्रोड्यूसिंग क्या कहते हैं फैचिंग एंड गुड गुड रिटर्न एंड मार्केट बिकॉज ऑफ द राइज इन डिमांड एंड एडिबल मशरूम फार्म मशीनरी कैन क्रिएट कमर्शियल वेंचर फार्म मशीनरी जो क्रिएट किया है कमर्शियल वेंचर इन प्रोडक्शन फार्म इम्प्लीमेंट्स एंड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मशीनरी ओके देखिए रिपेयर्स ऑफ फार्म मशीनरी ऑल्सो प्रोवाइड्स किया था कमर्शियल वेंचर को फार्मर्स ऑफ एंड यूथ ओके देखिए लेस एसाइडेड लैंड लिवेलियर्स सीड एंड फर्टिलाइजर ड्रिल फ्रेडी सीडर्स ट्रांसप्लांटर्स रोटावेटर्स स्प्रायर्स इरीगेशन पंप्स एक्सेट्रा आर सम पॉपुलर फार्म मशीनरी देखिए नीड फॉर फार्म नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या नीड है नीड फॉर नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बट प्रॉफिटेबिलिटी इन नॉन फार्म सेक्टर इज जनरली हायर देन फार्म सेक्टर इट इज एस्टिमेटेड दैट 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन द अर्बन एरिया ओके
in the present trend, migration of people from the rural to urban areas continues. The government should focus on the program of Pura. देखिए क्यों पूरा प्रोग्राम गवर्नमेंट फोकस कर रहा है, क्योंकि इट विल इट गिवन ऑल अपॉर्चुनिटीज पीपल विल प्रेफर टू लाइव इन रूरल एरिया, और लाइव करें सेमी रूरल एरिया में एंड और स्मॉल टाउन में. प्रोवाइड देयर इज ए गुड टेलीकॉम, ओके टेलीकॉम कनेक्टिविटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं एंड रोड नेटवर्क एंड प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं एंड हेल्थ केयर ऑप्शन भी. ओके देखिए इंस्टीट्यूशन सच खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, देखिए स्मॉल फार्मर्स एग्री बेस बिजनेस एंड कंसोर्टियम, देखिए तो कंसोर्टियम एंड अदर बॉडीज शुड बी गेट इन्वॉल्व हो रहा है. इंडस्ट्रीज लाइक देखिए सॉफ्टवेयर टेक्सटाइल लेदर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मा एयर कैन इजीली केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके तो नीड टू प्रमोट किया है ना एग्री टूरिज्म इन रूरल एरिया, क्या नीड है प्रमोट किया है एग्री टूरिज्म की रूरल एरिया में. देखिए एग्रो टूरिज्म जो है वो रूरल एरिया में क्यों होना चाहिए. देखिए टूरिज्म इज हैज रजिस्टर्ड फिनोमिनल ग्रोथ वर्ल्ड वाइड. ओके देखिए कॉन्ट्रीब्यूट्स जो 11% ऑफ वर्ल्ड वर्क फोर्स एंड 10.2% ग्लोबल जीडीपी बढ़ाते हैं. ओके ये न्यू जॉब इज एडेड जो होता है एवरी 2.5 सेकंड टू दिस सेक्टर. ओके ये न्यू जॉब जो एडेड होता है 2.5 सेकंड में. ओके एक जॉब हो जाते हैं न्यू जॉब 2.5 सेकंड में. तो एग्रो टूरिज्म जो है एक्टिविटीज़ है तो कैन हेल्प जनरेटिंग क्या करें ना मोर जॉब्स एंड रूरल एरिया में विच विल हेल्प क्या रिड्यूसिंग द लार्ज स्केल माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरिया. ठीक है मेनी स्टेट्स आर रनिंग सक्सेसफुली वेंचर्स विथ विच इज हेल्पिंग ऑगमेंटिंग इनकम रूरल पीपल. Morest state agro and tourism, there are 150 agro tourism centers in a state which are running without government help. Okay, तो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है 150 एग्रो टूरिज्म सेंटर. द स्टेट गवर्नमेंट हैज सब्सिडाइज्ड टूरिज्म एक्टिविटीज रूरल एंड हेल्थ टूरिज्म इज सक्सेसफुली वेंचर्स इन केरला. रूरल एंड हेल्थ टूरिज्म जो है केरला में बहुत ज़्यादा है. राजस्थान एंड गुजरात हैज ऑल्सो टूरिज्म डेस्टिनेशन. ओके टूरिस्ट डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग पीपल टू क्रिएट रिक्वायर्ड फैसिलिटीज टू देयर होम टू रजिस्टर फॉर टूरिज्म एक्टिविटीज. ओके प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर टूरिज्म नीड्स कंसेप्चुअल कन्वर्जेंस टूरिज्म इको टूरिज्म एंड हेल्थ टूरिज्म एडवेंचर टूरिज्म एंड कलिनरी एडवेंचर पोटेंशियल रूरल एरियाज शुड बी आइडेंटिफाइड इन डिफरेंट स्टेट्स में एंड फॉर वेरियस पर्पज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टू स्ट्रेंथन फॉर द पीपल इंडिया लाइव इन रूरल एरियाज एंड देयर इज ए need to make their lives comfortable and lucrative. There is need to develop some more rural centric schemes again to enhance their rural infrastructure. Okay. So मैं थोड़ा पानी पी रहा हूँ. Okay. Next start करेंगे. तो स्टार्ट कर रहा हूँ. देखिए मोबाइल एप्स फॉर एनर्जी एफिशिएंसी. देखिए हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने मोबाइल ऐप स्टार्ट किया है एनर्जी एफिशिएंसी में.
देखिए, विद्युत प्रभाव जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस जो अवेलेबिलिटी एंड हाईलाइट्स, देखिए द मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड्स क्या रहेगा करेंगे हम, हाईलाइट्स ऑफ द पावर अवेलेबिलिटी इन द कंट्री ऑन रियल टाइम बेसिस इम्पर द कमन पीपल टू डिमांड 24/7 पावर फ्रॉम द स्टेट्स। इट प्रोवाइड्स करेंगे डेटा पर्टेनिंग टू मार्केट प्राइस एंड ऑफ पावर फ्रॉम पावर एक्सचेंज determined to market price of power from the power exchange, value of current all India, demand of in gigawatt and all India and state shortage including peak hour and total energy shortage, the real time data and comparison with the previous day by year data is also available, data from multiple source including the states and power exchange कर सके has been made available through the single portal and for convenience of the all. Well, it facilitates all the consumers stakeholders in visualization of the power availability. It prices all at all overall country level and at states union territories level में. ओके, देखिए इट फैसिलिट क्या करेंगे ना, ऑल द कंज्यूमर स्टेक होल्डर्स एंड विजुअलाइजेशन ऑफ द पावर अवेलेबिलिटी एंड प्राइजेस एट द ऑल एट द ओवरऑल जो कंट्री का लेवल जो है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी का. देखिए इन्फॉर्मेशन डिसमिनेटेड थ्रू द एप्लीकेशन विल एम्पावर द कंज्यूमर देयर बाई लीडिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिव एंड एफिशियंट हो सके, ब्रिंगिंग मोर इकोनॉमी टू द कंट्री. सूर्य मित्र डेवलप्ड बाई, देखिए यहाँ पर हमने विद्युत प्रवाह हमने स्टार्ट किया है. देखिए ऐप जो स्टार्ट किया है जो कंज्यूमर जो डिमांड जो है 24/7 जो पावर को दे सके. देखिए वो डिमांड पर गीगावाट ऑल इंडिया में जो है एनर्जी शॉर्टेज जो है कमी है तो वो उसको देना चाहिए हमने पीक आवर में. देखिए तो एक्सचेंज करें पावर एक्सचेंज करेंगे हमने विजुअलाइज स्टेक होल्डर के साथ हमने देखिए काम करेंगे कंट्री लेवल स्टेट यूनियन टेरिटरी. देखिए इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन होगा थ्रू द एप्लीकेशन विल बी एम्पावर कंज्यूमर देयर लीडिंग ऑल द स्टेक होल्डर टू बी रिस्पॉन्सिव एंड एफिशिएंट ब्रिंगिंग मोर इकोनॉमी टू द कंट्री. ओके सूर्य मित्र देखिए डेवलपमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ सोलर एनर्जी सूर्य मित्र नाइस NISE नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ सोलर एनर्जी एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का जो मिनिस्ट्री है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी. दिस ऐप इज हाई एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है विच कैन हैंडल क्या करेंगे जो हैंडल थ्रू थाउजेंड्स ऑफ सेल्स कॉल्स सिमल्टेनियसली एंड कैन एफिशियंटली मॉनिटर द ऑल विजिट्स ऑफ सूर्यमित्रा. यूजिंग दिस ऐप कस्टमर्स कैन अवेल सर्विस लाइक मेंटेनेंस सर्विंग एंड रिपेयरिंग ऑफ द एट द क्लिक ऑफ बटन ऑन देयर मोबाइल्स. इट विल हेल्प एनहेंस द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रेंड यूथ एंड सूर्यमित्रा दैट इज सूर्यमित्रा इन सोलर पीवी टेक्नोलॉजी. फर्दर इट विल ऐप ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द बिजनेस ऑफ सोलर एंटरप्रेनर्स. देखिए ऊर्जा अर्बन ज्योति अभियान. ओके ऊर्जा अर्बन ज्योति अभियान देखिए मोबाइल एप्लीकेशन फॉर अर्बन पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो सेक्टर है. देखिए ऊर्जा जो है अर्बन ज्योति अभियान जो मोबाइल एप्लीकेशन फॉर अर्बन पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है. द मोबाइल ऐप हैज आल्सो बीन हैज बीन डेवलप्ड बाय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कौन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने डेवलप्ड किया है ऑन बिहाफ ऑफ क्या यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर. ओके देयर द एम ऑफ दिस ऐप एनहांस द कंज्यूमर कनेक्ट टू द अर्बन पावर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कंज्यूमर को उनके साथ. ओके सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ IT एनेबल्ड टाउन्स. ओके देखिए
उसके साथ साथ क्या करेंगे ना, जो अर्बन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ आईटी एस्टेब्लिश्ड टाउन्स में आईटी करेंगे। द ऐप ऑल्सो यूजर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन टू क्या पाएंगे, ऐप ऑल्सो अलाउज क्या करेंगे यूजर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं टू परफॉर्मेंस ऑफ देयर टाउन्स स्टेट लेवल डिस्कम्स ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स इंक्लूडिंग देखिए देयर रैंकिंग पेंडिंग कंज्यूमर कंप्लेंट्स। ओके देखिए ऐप जो है जो इन्फॉर्म किया उसमें हमने क्या क्या पा सकते हैं, देखिए द टाउन स्टेट लेवल डिस्कम ऑन द पैरामीटर्स इंक्लूडिंग देखिए रैंकिंग पेंडर एंड कंज्यूमर्स कंप्लेंट्स। ओके इट विल कंप्लेंट्स ओके द इट विल प्रोवाइड क्या इन्फॉर्मेशन एंड एवरेज परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर मेकिंग ई पेमेंट्स में भी काम करेंगे पेमेंट करेंगे पावर कार्ड्स और एज वेल एज पावर लॉस और थ्रेप। ओके इट दी द एप्स ऑल्सो विल ऑल्सो गिव्स क्या देंगे इन्फॉर्मेशन एट ऑन वेरियस स्कीम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे एंड इनिशियटिव अंडरटेकन बाई द यूनियन गवर्नमेंट टू इम्प्रूव करेंगे द पावर सप्लाई। ओके ओके देखिए ग्रीमैन विद्युत ग्रामीण विद्युतकरण मोबाइल ऐप इट विल इंश्योर द रियल टाइम अपडेटिंग प्रोग्रेस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस थ्रू वेब पोर्टल मोबाइल ऐप स्टार रीडिंग ऐप। देखिए ये क्या आंसर करेंगे देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे ओके टाइम बाउंड से मोबाइल ऐप के अंदर स्टार्ट स्टार रेटिंग ऐप ये प्रोवाइड क्या करेंगे प्रोवाइड द यूजर प्लेटफॉर्म टू कंपेयर पर्सनलाइज्ड एनर्जी सेविंग डिवाइसेस अक्रॉस द सेम क्लास एंड गेट ए रियल टाइम फीडबैक फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड देयर स्टेक होल्डर सो दे कैन मेक एन इन्फॉर्म परचेज डिसीजन। तो देखिए ये क्या करेंगे ना ई टेम्पर्स प्रोवाइड द यूजर्स प्लेटफॉर्म टू कंपेयर करेंगे पर्सनलाइज्ड एनर्जी सेविंग करेंगे डिवाइसेस अक्रॉस द सेम क्लास टू गेट रियल टाइम फीडबैक पास के कंज्यूमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स सो दे कैन मेक द एन इन्फॉर्म्ड परचेज डिसीजन। इट इज़ ए वैल्यूएबल टूल फॉर पॉलिसी मेकर्स ये वैल्यूएबल टूल है पॉलिसी मेकर के लिए टू एक्सेस द एक्यूमुलेटेड डेटा एंड एनालाइज द फीडबैक ऑफ द मार्केट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। लाइटनिंग ऑफ रूरल इंडिया देखिए इंडिया हैज अराउंड 80% देखिए सेंसस 2011 में ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन द रूरल एरिया में रहते हैं देखिए 80% एरिया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ द रूरल इकोनॉमी। देखिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है एक बैकबोन है रूरल इकोनॉमी के ऊपर बैकबोन फैलते हैं ओके बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट में देखिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हैज फाइव मेजर फैक्ट्स हैं एसेट्स सेटिंग अप द रूरल इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरिंग लास्ट माइल कनेक्टिविटी बाई प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू हाउस होल्ड एडिक्यूट सप्लाई ऑफ द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ एफोर्डेबल प्राइसेस प्रोवाइडिंग क्लीन एंड एनवायरमेंटल वेगन एंड सस्टेनेबल पावर ऑफ द एफिशिएंट वे। देखिए करंट स्टेटस देखिए वेल इंडिया हैज एक्सटेंडेड द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड टू अराउंड 98% इनहैबिटेड विलेज में द लास्ट माइल कनेक्टेड हैज नॉट रीच्ड ऑल हाउसहोल्ड्स इन द कंट्री में नहीं पहुंच पाया है एंड देयरफॉर देयर आर मेनी लोग हैबिटेशंस मोस्टली इन द रिमोट एरियाज में देखिए में वो रहते हैं वेयर द ग्रिड हैज नॉट येट रीच वहाँ पर नहीं वो पहुँच पाया है अनइलेक्ट्रिफाइड जो हाउस होल्ड है देखिए अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड द पॉपुलेशन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया देखिए द पॉपुलेशन जो है विदाउट जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है एक्सेस इन इंडिया में जो एक्सेस है कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स देखिए इसका हमने थ्री ग्रुप्स में डिवाइड कर सके देखिए residing in remote inaccessible village में where extending the central grid may be technically economically infeasible okay these residing in remote inaccessible village where extending the central grid may be technically economically infeasible those residing in unconnected hamlets क्या कर रहे हैं अनकनेक्टेड हैमलेट्स ऑफ ग्रिड कनेक्टेड विलेजेस नॉट इलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड इन विलेजेस वेयर द ग्रिड हैज रीच्ड ओके
इन विलेजेस वेयर द ग्रिड हैज रीच्ड लास्ट लेस देन 10 मिलियन ऑफ द टोटल नॉन इलेक्ट्रिफाइड पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 300 मिलियन आर इन विलेजेस। देखिए लेस देन 10 मिलियन जो है, लेस देन देखिए 10 मिलियन ऑफ द टोटल हाउस नॉन इलेक्ट्रिफाइड जो पॉपुलेशन है, लगभग 1/2 जो पॉपुलेशन है टोटल नॉन इलेक्ट्रिफाइड पॉपुलेशन अराउंड 300 मिलियन आर इन विलेज। ओके देखिए सेंट्रल देखिए सेंट्रल ग्रिड हैज नॉट रीच 290 मिलियन आर इन विलेजेस दैट ऑलरेडी मे बी हैव इलेक्ट्रिक ग्रिड एंड इन और इन नॉन इलेक्ट्रिफाइड हेमलेट्स ऑफ इलेक्ट्रिफाइड सेंसस विलेजेस। मोस्ट ऑफ दिस हेमलेट्स आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। रूरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन देखिए रूरल इलेक्ट्रिफाइड जो कॉरपोरेशन है एस्टेब्लिश हुआ था 1969 में एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू ओके देखिए क्या था देखिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इलेक्ट्रिक कमीशन जो है वो 1969 में एस्टेब्लिश हुआ है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंस वॉज टू फाइनेंस एंड प्रमोट द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑल ओवर द कंट्री। इट प्रोवाइड्स क्या है लोन असिस्टेंस टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को and state power utilities equipment manufacturers and so on. It manages the electrification programs and the Ministry of Power. Okay, amendments of in rural okay tariff policy amendments of in rural tariff policy. Okay, the arrangements the amendments of have now specifically included mini grids edge. देखिए द अमेंडमेंट हैव नाउ जो अब क्या हुआ है नाउ स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड स्पेसिफिकली इंक्लूडेड हुआ है मिनी ग्रिड एज एन ऑप्शन प्रोवाइड पावर सप्लाई टू रिमोट अनकनेक्टेड विलेजेस विद प्रोविजन टू परचेज द पावर टू परचेज द पावर इन टू द ग्रिड एज एंड व्हेन ग्रिड रीचेस हुआ द अमेंडमेंट ऑल्सो अपीयर्स टू हैव टेकन ऑर्गेनाइज्ड ऑफ कंसर्न प्राइवेट इन्वेस्टर्स एंड मॉनिटरिंग अबाउट क्रिएटिंग द नेसेसरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द सेक्टर। सेक्शन 8 ऑफ द अमेंडमेंट देखिए फॉर द टैरिफ पॉलिसी जो है स्टेट्स का दैट माइक्रो ग्रिड्स जो है सप्लाइंग जो है रिन्यूएबल एनर्जी आर बीइंग सेट अप इन द सच एरियाज वेयर द ग्रिड हैज नॉट रीच जहाँ पर ग्रिड नहीं पहुँच पाया है एंड वेयर एडिक्वेट पावर इज नॉट अवेलेबल है इन द ग्रिड में इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व हुआ है इन सेटिंग अप ऑफ सच माइक्रो ग्रिड्स में माइक्रोग्रिड एज सब्सटेंशियल वन ऑफ द रिस्क है इसका इन्वेस्टमेंट में इज ग्रिड रीचिंग द एरिया बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। लाइक देखिए ऑन क्या रिस्क हुआ है रिस्क इन इन्वेस्टमेंट इज ग्रिड रीचिंग द एरिया बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ एंड देयर बाई मेकिंग पावर फ्रॉम द माइक्रोग्रिड्स। देखिए पावर फ्रॉम माइक्रोग्रिड्स कॉस्टली एंड अनअवेलेबल। देखिए इन ऑर्डर टू मिटिग्रेट क्या करें सच रिस्क को एंड इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट इन माइक्रोग्रिड्स देयर इज अ नीड टू पुट इन प्लेस एन अपॉर्चुनिटी अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देर क्या नीड है हमने क्या नीड है हमें ना टू पुट करे प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और टू मैंडेट कंपल्सरी परचेज ऑफ पावर इन टू ए ग्रिड फ्रॉम सच माइक्रो ग्रिड्स। ओके देखिए हमें क्या करना है कंपल्सरी परचेज ऑफ पावर जो हमें देना है एंड इज इन टू द ग्रिड फ्रॉम सच माइक्रो जो ग्रिड है एट ए टैरिफ टू बी डिटरमाइंड अंडर द सेक्शन 62 के डिटरमाइन होते हैं ऑफ द एक्ट कंसिडरिंग डिप्रिसिएटेड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिप्रिसिएटेड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कीपिंग इन व्यू इंडस्ट्री ब्रेंच मार्क विथ ए काफ कैफ इफ नेसेसरी एज अप्रूव्ड बाई द एप्रिसिएट कमीशन द एप्रिसिएट द कमीशन सेल नोटिफाई नेसेसरी रेगुलेटरी रेगुलेशन इन दिस रिगार्ड विथ 6 मंथ्स। ओके रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी 2005 देखिए इसका एम क्या है प्रोवाइड करें इलेक्ट्रिसिटी को टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2009 के अंदर क्वालिटी एंड रिलायबल पावर ऑफ पावर सप्लाई एट
रिजनेबल रेट्स एंड मिनिमम लाइफ लाइन कंजम्पशन ऑफ वन यूनिट पर हाउस होल्ड पर डे मैरिड गुड्स बाई 2012। इट चेंज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस। विलेजेस वुड बी क्लासिफाइड एज द इलेक्ट्रीफाइड विलेज बेस्ड बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट इशूड By the term of panchayat, gram panchayat celebrates certifying that the basic certificate the village जो है classified electrified based on the certificate issued by the gram panchayat certifying that basic infrastructure distribution transformer and distribution lines has been provided in innovated locally as well as ये मिनिमम ऑफ वन दलित बेसी बस्ती हेमलेट वेयर इट एक्सिस्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड टू पब्लिक प्लेसेस एंड एटलीस्ट 10% ऑफ द हाउस होल्ड एंड विलेजेस आर इलेक्ट्रीफाइड। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत करण योजना जो है जो आर जी जी वी वाई देखिए एम क्या है उसका प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द अन इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस इंप्लीमेंटेड बाई रूरल इलेक्ट्रीफाइड कॉरपोरेशन दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ओके एम्स क्या है ना कि प्रोवाइडिंग 2.24 पावर फॉर ऑल द 2019। ओके स्कोप ऑफ द प्रोग्राम इंक्लूड्स देखिए सेपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर फीडर्स स्ट्रेंथनिंग एंड एग्रीकल्चर ऑगमेंटेशन ऑफ सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरिया इंक्लूडिंग देखिए मेटरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स फीडरिंग एंड कंज्यूमर्स स्पेसिफिकली देखिए द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ देखिए दीनदयाल अंत्योदय उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना जो है आर फीडर सेपरेशन एंड पावर फॉर ऑल बाई 2009। उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल दी एम्स के टू प्रमोट इलेक्ट्रिक एफिशियंट लाइटनिंग एनहेंस अवेयरनेस टू ऑन यूजिंग एफिशियंट इक्विपमेंट विच रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को रिड्यूस करेगा एंड टू हेल्प प्रिजर्व एनवायरमेंट को प्रिजर्व करे। इट वॉज लॉन्च्ड एज LED बेस्ड डोमेस्टिक एफिशियंट लाइटनिंग प्रोग्राम ये लॉन्च हुआ है LED बेस्ड जो डोमेस्टिक एफिशियंट लाइटनिंग प्रोग्राम में रिप्लेस्ड हुआ है भारत देखिए रिप्लेस देखिए बचत लैम्प योजना के रिप्लेस्ड ओके इट अर्गेज किया द पीपल टू यूज LED बल्ब्स इन प्लेस ऑफ ओके नव ज्योति योजना देखिए इसका एम क्या टू प्रमोट एफिशिएंट लाइटिंग एफिशिएंट देखिए एनहेंस अवेयरनेस एंड इक्विपमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ओके इसको आप याद रखिए। देखिए जितना भी सारे एम्स है देखिए इसका भी प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी राजीव गांधी इलेक्ट्रीफाइड विलेज में ये आपको याद रखना चाहिए। देखिए बचत लैम्प योजना रिप्लेस्ड हुआ है बचत लैम्प योजना जो इट अर्गीज दैट द पीपल जो है LED पीपल टू द यूज LED बल्ब्स इन प्लेस एन इन इंसेंडिसेंट बल्ब्स ट्यूब लाइट्स एंड CFL बल्ब्स एज दे आर मोर एफिशियंट लॉन्ग लास्टिंग एंड कमर्शियल इकोनॉमिकल इन देयर लाइफ साइकिल ड्यूरेशन। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी एफिशियंट सर्विस लिमिटेड ए पब्लिक सेक्टर बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन ऑर्डिनरी बल्ब इज एन एक्सट्रीमली एनर्जी इन एफिशियंट फ्रॉम फॉर्म ऑफ लाइटनिंग विथ जस्ट 5% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इनपुट कन्वर्टेड टू लाइट। ओके 5% जो है इलेक्ट्रिसिटी जो इनपुट जो कन्वर्टेड लाइट में होता है एफिशियंट लाइट बल्ब लाइक लाइट एमिटिंग डायोड ओके एंड कंज्यूमर्स ओनली 1/10 ऑफ एनर्जी यूज एन ऑर्डिनरी बल्ब टू प्रोवाइड करे सम और बेटर लाइट आउटपुट को। देखिए उज्जवल डिस्कम एश्योरेंस योजना उदय ओके उज्जवल डिस्कम एश्योरेंस योजना देखिए एम्स देखिए उज्जवल जो देखिए उदय का एम क्या है टू रिस्ट्रक्चर द स्टेट ओन डिस्कम टू ऑपरेट करेंटली रिलिंग अंडर ए माउंटेन ऑफ डिबेट एंड मॉनिटरिंग माउंटिंग ऑपरेशनल लॉसेस एवरी ईयर। The bulk of the restructuring focus has been around the financial plan with the state government to take over the DISCOM debits in a predefined fashion
50% ऑफ द डेट डेट आउटस्टैंडिंग बाय द सितंबर 2015 बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2015-2016। देखिए एम, देखिए रिस्ट्रक्चर करें हमें, हम एज स्टेट ओन डिस्कम्स टू ऑपरेट करें करंटली रिटेलिंग अंडर द माउंटेन ऑफ डेब्ट एंड माउंटिंग ऑपरेशनल लॉसेस एवरी ईयर। द बल्क ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग फोकस किया ना हैज बीन अराउंड द फाइनेंशियल जो प्लान है विद द स्टेट गवर्नमेंट का टू चेक द देयर डिस्कम जो है डेब्ट इन प्री डिफाइंड फैशन 50% ऑफ द डेब्ट आउटस्टैंडिंग है एज ऑफ सितंबर 2015 में, देखिए बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में 2015-16 में, देखिए 2015-16 एंड 25% बाय जून 2016 में। इन एम्पायर्स कैलेंडर डिस्कम्स विद द अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक डाउन ब्रेक टू ब्रेक हेवन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स थ्रू 4 इनिशिएटिव्स। देखिए डिस्कम जो अपॉर्चुनिटी क्या टू ब्रेक थ्रू ब्रेक इवन इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स थ्रू 4 इनिशिएटिव जो लिया गया है, इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ डिस्कम, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ पावर, रिडक्शन इन इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डिस्कम, इन्फोर्सिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन ऑफ डिस्कम थ्रू अलाइनमेंट ऑफ द विथ स्टेट फाइनेंस। ओके, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। देखिए चैलेंज क्या है, वेरियस प्रोग्राम्स कंसर्न विद इलेक्ट्रिफिकेशन हैव सफर्ड फ्रॉम मेजर हर्डल्स, देखिए विच इंक्लूड किया हाई कॉस्ट ऑफ ग्रिड एक्सटेंशंस एंड लो रिकवरी ड्यू टू हाईली सब्सिडाइज्ड टैरिफ, लो लेवल ऑफ टैरिफ कलेक्शन रिजल्टिंग इन नेगेटिव रिटर्न, सप्लाई रिस्टोरिंग ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पावर एंड हाई ऑपरेशन ऑफ एंड मेंटेनेंस कॉस्ट for rural electrification to be achieved in a sustainable way, we need massive focus on creation on income generation activities to boost rural economy. This will be bring in affordability for the rural masses, which will be willing to pay for the service which bring wealth and sustainability. देखिए चैलेंज क्या है, देखिए हमने वेरियस प्रोग्राम लिया है तो मेजर हर्डल्स के लिए, देखिए हाई कॉस्ट ऑफ ग्रिड एक्सटेंशन एंड लो रिकवरी ड्यू द हाईली सब्सिडाइज टैरिफ, लो लेवल ऑफ टैरिफ एंड कलेक्शन ऑफ रिजल्टिंग नेगेटिव रिटर्न, सप्लाई रिसोनरिंग नॉन अवेलेबिलिटी पावर्स एंड हाई ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन टू भी, हमने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव किया करने के लिए सस्टेनेबल वे में हमें करना चाहिए, वैसे फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ द इनकम जनरेशन हमने करेंगे एक्टिविटी बूस्ट रूरल इकोनॉमी के अंदर एंड दिस विल बी ब्रिंग अफोर्डेबल फॉर द रूरल मैसेज, बहुत अच्छी होगा रूरल मैसेज के लिए सर्विस एंड ब्रिंग वेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी होगा। ओके देखिए नेक्स्ट, देखिए परसेप्शन मैनेजमेंट ए बिग चैलेंज इन द ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर पावर। देखिए परसेप्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हमने अगर परसेप्शन को मैनेजमेंट किया तो एक बिग चैलेंज होगा न्यूक्लियर पावर का। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी हैज गिवन एज ए वायबल एनर्जी ऑप्शन ड्यू टू द फॉलोइंग, इट इज सेफ एंड रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैज ए मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट। देखिए इसमें क्या है, इसमें है सेफ एंड रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो इसका क्या है मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट है एंड इट्स स्टेडी एंड अनइंटरप्टेड सप्लाई मेक्स इट आइडियली सुटेबल फॉर मीटिंग बेस लोड रिक्वायरमेंट्स। ओके सो ये सेव करेंगे रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी विच एज मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट होगा एंड स्टडी एंड अनइंटरप्रेटेड सप्लाई मेक्स इट डील्स क्या सस्टेनेबल फॉर मीटिंग बेस लोड रिक्वायरमेंट्स, इट इज एसोसिएटेड विद द हाई वेरी हाई एनर्जी डेंसिटी इसके साथ है वेरी हाई डेंसिटी एंड द कम्पैक्टनेस इन ऑफ इट्स एनर्जी सोर्स ट्रांसलेट्स क्या कर रहे हैं कम्पैक्टनेस ऑफ इट्स एनर्जी सोर्स जो ट्रांसलेट हो रहा है इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल एंड स्मूथ ऑपरेशन ऑफ लार्ज साइज में पावर प्लांट्स कैपेबल ऑफ सप्लाइंग अनइंटरप्रेटेड इलेक्ट्रिसिटी टू लार्ज मेट्रोपोलिस एंड हाई पावर कंज्यूमिंग इंडस्ट्री में हो रहा है।
With its steady and significant rise of fossil fuel जो price हो रहा है, nuclear energy has become the one of the most commercially attractive energy options है, nuclear energy. okay, देखिए countries who had देखिए rapidly growth हो रहा है, countries जो rapidly grow कर रहा है, their nuclear power generating हो रहा है, generating capacity in the second half of the last century में. कंट्री में देखिए, कंट्री में जहाँ पर देखिए रैपिडली ग्रोथ हो रहा है न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग कैपेसिटी जो सेकेंड हाफ ऑफ द लास्ट सेंचुरी में, देखिए लास्ट सेंचुरी में जो सेकेंड हाफ ऑफ द लास्ट सेंचुरी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड हो रहा है, ए वेरी इंप्रेसिव कैपेसिटी फैक्टर है एंड रिलायबल जो एंड सेफ ऑपरेशन ओवर द पीरियड ऑफ सेवरल डिकेड्स में हो रहा है. द न्यूक्लियर एनर्जी ऑप्शन ऑप्शन जो है इज एक्सप्लॉइटेड टू इट्स फुल पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल कैन प्रोवाइड सच सूटेबल सस्टेनेबल एनर्जी फॉर द वर्ल्ड सेवरल सेंचुरीज टू कम. ओके, देखिए कंसर्न्स एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर एनर्जी, हेल्थ कंसर्न्स एंड कैंसर एंड जेनेटिकली इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स, एफेक्ट एग्रीकल्चर एंड फिशिंग इन द सराउंडिंग ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ठीक है, वायबल ओनली थ्रू हायर गवर्नमेंटल गवर्नमेंट सब्सिडीज, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड डिजास्टर रेडियो एक्टिव वेस्ट. ओके, इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशन ऑन थर्मल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑन न्यूक्लियर, देखिए इम्पैक्ट क्या है पावर प्लांट ऑपरेशन ऑन न्यूक्लियर इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर में, देखिए एंटीट जो हीट है, हीट फ्रॉम द फिशन रिएक्शन कैन नॉट बी यूटिलाइज, देखिए इंटर जो हीट है, हीट फ्रॉम द फिशन जो रिएक्शन जो है कैन नॉट बी हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ये पार्ट ऑफ इट्स रिलीज इन टू द सराउंडिंग, देखिए पर्पस देखिए कैन नॉट बी हम यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ए पार्ट ऑफ इट इज रिलीज इन टू द सराउंडिंग. देखिए स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन जो हैव बीन लेड डाउन ऑन टू व्हाट एक्सटेंड टू द डिस्करेज डिस्चार्ज कैन ब्रिंग अबाउट थर्मल चेंजेस जो हो रहा है सराउंडिंग में, जो वो स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन जो दिया हुआ है. ओके, तो क्या हो रहा है जो डिस्चार्ज एंड ब्रिंग ऑफ द थर्मल चेंजेस हो रहा है, द साइज ऑफ मिक्सिंग जोन जो है शुड बी विद इन 500 डायमीटर्स में हो रहा है अराउंड द रिएक्टर्स एंड थर्मल टेम्परेचर चेंज हो रहा है शुड बी नॉट मोर देन 7 डिग्री 7 सेंटीग्रेड. ओके, दिस विल एंश्योर मिनिमम डैमेज ऑफ द सराउंडिंग एरिया, जो एंश्योर कह रहा है मिनिमम डैमेज ऑफ द सराउंडिंग एरिया टू सराउंडिंग एरिया. ओके, सराउंडिंग एरिया. नेक्स्ट देखिए, देखिए रोल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, क्या रोल है न्यूक्लियर एनर्जी का. इंडिया करेंटली जनरेट्स 3.5% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द न्यूक्लियर एनर्जी. ओके, 3.5% जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी से, गिवन द पॉजिटिव करिलेशन बिटवीन द पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडिया नीड टू देखिए ड्रास्टिकली इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि और ड्रास्टिकली इंक्रीज किया है. लार्ज चंक ऑफ इट्स वुड बिकम टू फ्रॉम कोल बेस्ड, जो कोल बेस्ड है इंडिया का जो न्यूक्लियर है थर्मल जो पावर है जो आप वो न्यूक्लियर करना चाहते हैं, द रिमेनिंग हैज टू कम थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. ओके, जो आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से, सोलर एंड विंड एनर्जी कैन नॉट कंट्रीब्यूट, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं एज न्यूक्लियर एनर्जी के बराबर. ओके, नहीं कम करते हैं. कोल इम्पोर्ट्स आर राइजिंग ड्यू टू द पुअर क्वालिटी ऑफ इंडियन कोल, देखिए जो कोल इम्पोर्ट्स आर राइजिंग हो रहा है ड्यू टू द पुअर क्वालिटी ऑफ इंडियन कोल, जो है पुअर क्वालिटी है इंडिया का कोल. ओके, अनसर्टेनली इट सप्लाई एंड बटल नेक्स इन लार्ज स्केल माइनिंग हो रहा है एंड ट्रांसपोर्टेशन, देखिए न्यूक्लियर प्रोवाइड्स करते हैं क्लियर एडवांटेज ओवर अदर सोर्स ऑफ द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. न्यूक्लियर जो प्रोवाइड्स करते हैं क्या ना क्लियर एडवांटेज देते हैं सोर्स ऑफ द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को. सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर पावर, देखिए न्यूक्लियर पावर का सेफ्टी क्या है, देखिए नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड अदर मेंटेन्ड इन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ऑफ द हायर स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द ग्लोब, देखिए
स्ट्रेंथ ऑफ द एक्ट्रेस द ग्लोब इंडिया हैज एक्सेस कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इन न्यूक्लियर एनर्जी. देखिए एट द सेम टाइम फोकस ऑन द मेंटेनिंग ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स व्हेन इट कम्स ऑन टू न्यूक्लियर सेफ्टी. देखिए वो मेंटेनिंग कर रहा है हाई स्टैंडर्ड में. दिस हैज बीन टाइम टू टाइम एंड अगेन डेमोन्स्ट्रेटेड अर्लियर. ओके अर्लियर में हुआ था व्हेन द कलपक्कम रिएक्टर में हुआ था. कलपक्कम एंड काकराबाड़ा रिएक्टर में हुआ था. बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब हुआ था. माइंड द नेचर नर्चर ड्यूरिंग द 2004 सुनामी एंड 2001 अर्थक्वेक रेस्पेक्टिवली उस तरह वो हुआ था. ओके कलपक्कम एंड काकराबाड़ा मैनेजमेंट ऑफ द लॉन्ग लाइफ रेडियो एक्टिव वेस्ट. हमने कैसे मैनेजमेंट कर सकते ऑफ द लॉन्ग लाइफ आइसोटोप. हम अगर सेपरेट किया लॉन्ग लाइफ आइसोटोप को फ्रॉम द स्पेंट फ्यूल एंड इंसिनरेट देम. हम अगर इंसिनरेट किया है तो इन फास्ट रिएक्टर्स और बाय इरिडेटिंग देम विद हाई एनर्जी चार्ज प्रैक्टिस पार्टिकल्स. अगर हम इरिडेटिंग किया हाई एनर्जी पार्टिकल्स से चार्ज पार्टिकल्स में इन एक्सेलरेटर ड्राइवन सिस्टम में द एडप्शन ऑफ क्लोज न्यूक्लियर जो है फ्यूल साइकिल विच इन्फॉर्म्स हुआ है the processing of the spent fuel to separate useful fissionable. okay adaptation to close nuclear fuel jo cycle hai which involves hua hai hota hai kya na the reprocessing of the spent fuel and to as separate unusual useful separate useful fissionable jo materials and long life jo minor jo active needs in necessary. The waste management plants in India convert high actively ho raha hai. okay waste into a glassy form which is stored in multi-barrier interim में हो रहा है. देखिए इंजीनियर्ड स्टोर फैसिलिटी. ओके वेस्ट मैनेजमेंट प्लान इन इंडिया कन्वर्ट हो रहा है हाई एक्टिव वेस्ट ग्लोसरी ग्लैसी फॉर्म विथ स्टोर्ड मल्टीपल बैरियर इंटरिम इंजीनियर्ड स्टोर फैसिलिटी. लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी. देखिए इंडिया एबंडेंटली ब्लेस्ड विथ सनलाइट एंड वास्ट रिजर्व ऑफ थोरियम. देखिए इंडिया में सनलाइट आते हैं थोरियम रिजर्व है. यूटिलाइजिंग थोरियम एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हैज बीन टेम्पररीली आउट ऑफ द रीच. थोरियम हैज टू बी कन्वर्टेड टू फॉसिल मटेरियल यू 2033 फॉर इनिशिएटिंग एंड सस्टेनिंग फैशन रिएक्शन. So this has been the ultimate goal of India's three-stage nuclear program, aimed at increasing at the inventory of fossil material in the first and second stage of the program to facilitate electricity generation from thorium, and in the third stage, a renewable energy future for India. India is facing both developmental and environmental crisis. Who are struggling with the problem? struggling with the problem हो रहा है of inequality, poverty and improving the human development. Improve हो रहा है human development indicators. Environmental pollution and ecological destruction हो रहा है is now a run away problem हो रहा है. Both these crises are also interacting and reinforcing each other. This is best reflected in our energy sector में is coal based power plant. देखिए एमिशन फ्रॉम कोल बेस्ड पावर प्लांट. देखिए 60% पार्टिकुलेट मैटर एमिशन होते हैं. 45 to 50% SO2 एमिशन होते हैं एंड 30% NO2 80% मरकरी. ओके इट अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द ग्रीन हाउस गैस अकाउंट किया है ना. हाफ ऑफ द ग्रीन हाउस एमिशन होते हैं. 70% फोर फ्रेश वाटर विद्रॉल फ्रॉम इंडस्ट्रियल पर्पज में हम विद्रॉल करते हैं. इन आवर कंट्री में माइनिंग इम्पोर्ट्स द लाइवलीहुड ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन एंड ऑल्सो माइनिंग इम्पोर्ट में इम्पैक्ट क्या करते हैं ना द ट्राइबल livelihoods and also cause substantial destruction of a dense forest destruction hota hai. this makes it imperative for the nations of the to adopt kya karte hain adopt sustainable development. humne model humne adopt kiya hai environmental friendly renewable energy ke liye converging energy environmental security and in the last few years five tens benefits becomes quite clear. India's dependence on imported fossil fuel is increasing at alarming rate and this trend has huge implications for energy security in the country.
रिड्यूसिंग कॉस्ट रिन्यूएबल एनर्जी एक्स स्पेशली सोलर एंड विंड पावर, रिड्यूसिंग कॉस्ट बाय रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्पेशली सोलर एंड विंड पावर में इन द लास्ट 5 ईयर्स द कॉस्ट ऑफ द सोलर एनर्जी हैज कम डाउन। लास्ट 5 ईयर में क्या ना सोलर एनर्जी का कॉस्ट है वो डाउन हुआ है इन थर्ड वन थर्ड टू थर्ड हुआ है। ओके तो देखिए विंड पावर हैज ऑलरेडी अचीव्ड हुआ है ग्रिड पार्टली बिकम इन द कंट्री। ठीक है देखिए इलेक्ट्रिसिटी इज पार्टिकल प्रैक्टिकली यूज फॉर एप्लीकेशन और फॉर ऑल एप्लीकेशन ए वर्ल्ड वेयर मोस्ट हाउस होल्ड कमर्शियल ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इज परफॉर्म होते हैं बाई इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है देखिए कोई भी काम इंडस्ट्रियल में जो कोई भी काम होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में होते हैं। इज बिकमिंग ए रियलिटी। देखिए अर्जेंसी टू रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस तो हमें रिड्यूस करना चाहिए ग्रीन हाउस गैस को। मोस्ट कंट्रीज हैव गिवन सम अदर रिन्यूएबल टारगेट दिए हैं हम। सो देयर इज अ क्लियर ग्लोबल सिग्नल है टू अपस्केल रिन्यूएबल एनर्जी के लिए टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए इंक्रीजिंग ग्लोबल रिकॉग्निशन हमें इंक्रीज करना चाहिए ग्लोबल रिकॉग्निशन टू सप्लाई क्लीन एनर्जी सप्लाई करने के लिए टू ऑल द फ्यूचर डिसेंट्रलाइज्ड पावर सप्लाई। देखिए सेंट्रलाइज जो पावर सेंट्रलाइज जनरेशन एंड ग्रिड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपिंग ग्रिड हमने डेवलप कर रहा हूँ सफर्स फ्रॉम हाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सफर्स कर रहे हैं हाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज ऑफ द ट्रांसमिशन और लॉन्ग डिस्टेंस पोअर मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई लाइन्स रिन्यूएबल एनर्जी शुड बी जनरलाइज जनरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी जो शुड भी क्या होगा जनरेटेड होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में स्मॉल स्मार्ट ग्रिड्स विद मिनी डिस्कॉम्स स्मार्ट ग्रिड्स हमने बना रहे हैं एंड मिनी डिस्कॉम्स कैपेबल सेलिंग एंड बाइंग पावर फ्रॉम द मेन ग्रिड्स कैपेबल सेलिंग कर रहे हैं हमने बाइंग पावर को बाइंग कर रहे हैं मेन ग्रिड्स कैन प्रमोट कर रहे हैं पेनिट्रेट ऑफ डिसेंट्रलाइज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोलर एंड मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स। ओके तो देयर विल बी ए रोल ऑफ रोल फॉर लार्ज पावर प्लांट्स। देखिए ये पर देखिए रोल क्या है लार्ज पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन अदर नॉन फॉसिल टेक्नोलॉजीज में। देखिए बट द रोल द लार्ज पावर प्लांट्स में बहुत अच्छी नॉन देखिए देयर विल बी रोल फॉर लार्ज पावर प्लांट्स ओके बेस्ड ऑन द नॉन फॉसिल टेक्नोलॉजी में लार्ज पावर प्लांट जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट दिस रोल वुड बी बिकम सप्लीमेंट डिसेंट्रलाइज जनरेशन है विच वुड ऑल्सो रिड्यूस हो रहा है बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट ऑपरेशनलाइज दिस मॉडल विल रिवोल्यूशनलाइज द वार पावर इंच प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन इंडिया मिलियंस ऑफ द हाउस होल्ड वुड प्रोड्यूस एंड कंज्यूम्स देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी थाउजेंड्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है बेस्ड ऑन ग्रिड्स वुड प्रमोट मिलियंस ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स टू क्रिएट लोकल जॉब्स एंड बिल्ड लोकल इकोनॉमिक्स लिविंग स्टैंडर्ड्स इन विलेजेस विल इम्प्रूव कर किया ना इन टर्म विल इंश्योर वुमेन एम्पावरमेंट एंड बेटर हेल्थ एजुकेशन देयर कैन बी ए बेटर डेवलपमेंट एजेंडा फॉर द कंट्री। देखिए सेल गैस इन इंडिया चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट। देखिए इंडिया इज थर्ड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी ऑफ इन द वर्ल्ड बिहाइंड चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स हाई रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड एनर्जी थ्रेटेंस फिजिकल स्टेबिलिटी वोलेटाइल एनर्जी प्राइस एंड ऑल्सो एफेक्ट एडवर्सली ऑन एनर्जी सिक्योरिटी। देखिए एनर्जी इंटेंसिटी हैज स्पेशल रिलीवेंस क्या है ना इन पेट्रोलियम सेक्टर में। देखिए आज और इम्पोर्ट जो होते हैं डिपेंडेंस होते हैं इज लाइकली टू राइज from 23% in 2011 and 12, 80% in 2016 and 17 में इम्प्रूव हुआ है इम्पोर्ट डिपेंडेंस हुआ है। देखिए जो इंक्रीजिंग द डोमेस्टिक एनर्जी एफिशिएंसी जो बढ़ रहा है एंड रैम्पिंग ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन रैम्पिंग हो रहा है इन द
इन द की ऑफ मीट द एनर्जी डिमांड्स इन ए फिजिकल सेटअप सस्टेनेबल मैनर में, शेयर ऑफ गैस डिराइव्ड एनर्जी, शेयर ऑफ गैस जो है डिराइव्ड एनर्जी इन द ग्लोबल इकोनॉमी मिक्स टू राइज शार्पली, मिक्स हो रहा है, इंक्रीज अवेलेबिलिटी एंड ट्रेड गैस जो है एंड इट्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली नेचर, द शेयर ऑफ गैस जो है इज प्रोडिक्टेड टू रीच 25% द ग्लोबल इकोनॉमी, जो 25% में पहुंच गया है, देखिए शेयर जो गैस गैस का शेयर मिक्स बाई 2013 मिक्स बाई 2035 अराउंड 32% वुड बी द फॉर्म ऑफ द अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ गैस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, देखिए इमरजेंस ऑफ सेल गैस इज एप्ट फॉर इंडिया, ग्लोबल ट्रेंड इज अनकन्वेंशनल गैस सोर्स, देखिए ट्रेडिशनली द फॉलोइंग सोर्स ऑफ गैस हैज बीन कैटेगराइज एज अनकन्वेंशनल वंस, कोल बेस्ड मिथेन, देखिए ग्लोबल ट्रेंड इन अनकन्वेंशनल गैस सोर्स, देखिए कोल बेस्ड मिथेन हमने देख पाता हूँ, कोल माइन मिथेन, सेल गैस, टीजीट गैस, द ग्लोबल गैस डिमांडेड इज लाइकली टू गो अप बाई 50% इन 2035, देखिए ग्लोबल गैस जो है डिमांड जो इज लाइकली टू गो अप कहाँ पर गया है 50% इन 2035 में, एंड अबाउट 1/3 ऑफ दिस विल कम थ्रू अनकन्वेंशनल वे, द ग्लोबल गैस जो डिमांड है इज लाइकली कम 50% 2035 में एंड 1/3 ऑफ दिस कम अप थ्रू अनकन्वेंशनल सोर्स में, सेल ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन जो है हैज बीन राइजिंग अक्रॉस द ग्लोब में, बढ़ रहा है स्पेशली इन द US which has led to the US become the net exporter of gas, देखिए थ्री फैक्टर्स ऑफ द हैव कम टुगेदर इन रिसेंट ईयर्स में, देखिए थ्री फैक्टर्स कम टुगेदर आया है, गैस प्रोडक्शन इकोनॉमिकली वायबल, देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांस एंड हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग एंड इंक्रीज इन नेचुरल गैस प्राइस इन द ग्लोबल मार्केट में इंक्रीज किया जाए तो बहुत अच्छे होगा, तो मेजर चैलेंजेस इन सेल गैस एक्सप्लेटेशन गैस एक्सपीरियंस वाटर कम्युनिकेशन कंटेमिनेशन के लिए, देखिए यूज ऑफ सैंड एंड सार्मिक एंड हाई प्रेशर वाटर हेल्प्स टू कैन फ्रैक्चर करते हैं सेल एंड सेल गैस एस्केप्ड आउट थ्रू हिदियरी फ्रैक्चर्स होते हैं, देर इज फियर ऑफ दिस इंजेक्टेड मिक्सचर ऑफ द एस्केपिंग गैस कंटेमिनेटिंग द ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करते हैं, वाटर शॉर्टेज होते हैं, लार्ज क्वालिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा वाटर यूज होते हैं, दिस वाटर रिक्वायरमेंट शुड बी मीट विदाउट अफेक्टिंग द लोकल कम्युनिटी को, अगर अफेक्ट किया कर रहा है ओके तो वाटर चाहिए हमें तो वो लैंड अवेलेबिलिटी, देखिए मेनी वेल्स जो इज अवेलेबल टू बी डग इन सच सस्टेन कमर्शियली वायबल प्रोडक्शन टाइप के लिए 100 to 3500 स्क्वायर किलोमीटर लैंड वुड बी रिक्वायर्ड, या फियर ऑफ द अर्थ द फ्रैक्चरिंग ऑफ द मिक्सचर ऑफ द इंजेक्टेड हाई प्रेशर देयर इज भी अर्थक्वेक हो सकता है ओके, सो आई थिंक एक कंप्लीट हो गया है आज का टॉपिक, सो आई थिंक इट विल बी हेल्प टू यू फॉर योर सक्सेस, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू।